नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। आरएसपी में नए मानक आईएसओ 9001:2015 का पहला अंतर प्लांट लेखा परीक्षा आयोजित। विद्युत वितरण विभाग में मां का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और राउरकेला में हर्ष उल्लास के साथ रज्ज महोत्सव प्रारंभ। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला स्टील प्लांट में 13 जून को नए मानक आईएसओ 9001:2015 पर आधारित वर्ष 2018-19 के लिए आयोजित पहला अंतर प्लांट लेखा परीक्षा समाप्त हुआ। कार्यपालन निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी के प्रधान ने कार्मिक विभाग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित समापन बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन श्री आर खान, महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री एम के एल चांद, ऑडिटरों में उप महाप्रबंधक एम टी आई श्री अतनु मुखर्जी, उप महाप्रबंधक डीएसपी श्री एम के श्रीवास्तव एवं सहायक प्रबंधक आईएसपी श्री ए माधुरी और वित्त एवं कार्मिक विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री प्रधान ने लेखा परीक्षकों को उनके सावधानीपूर्ण लेखा परीक्षा के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें उठाए गए मुद्दों को निर्धारित समय में पूरा करने में पूर्ण सहयोग और अनुपालन का आश्वासन दिया। लेखा परीक्षकों ने विशेष रूप से ई सक्षम करने के क्षेत्र में परिवर्तन प्रबंधन में आरएसपी के प्रयास की सराहना की। उन्होंने जोखिम और अवसर मूल्यांकन में संशोधन, नए मानकों में जागरूकता बढ़ाने और ग्राहक प्रतिक्रिया प्रणाली में सुधार जैसे सुधार के कई सुझाव दिए। उल्लेखनीय है कि 2 दिवसीय लेखा परीक्षा के दौरान केंद्रीय दस्तावेज, दावे और माल, परियोजना वित्त IR&R के साथ साथ वित्त और कार्मिक विभाग के कैंटीन और कल्याण सेवाओं का लेखा परीक्षा किया गया। इन दोनों विभागों को इस वर्ष जनवरी में संयुक्त ISO 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। बिजनेस एक्सेलेंस टीम द्वारा बैठक का संचालन किया गया। विद्युत वितरण विभाग में 13 जून को एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। उप महाप्रबंधक प्रभारी विद्युत वितरण श्री एम के भास्करन ने केबल ग्रुप से वरिष्ठ टेक्नीशियन श्री बी के सेठी और रोलिंग मिल से वरिष्ठ टेक्नीशियन श्री एम माझी को उनके अनुकरणीय कार्य हेतु क्रमश अप्रैल एवं मई 2018 के लिए माह का कर्मचारी पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर विद्युत वितरण रोलिंग मिल्स MSDS 5 ऑपरेशन एवं SLCC ऑपरेशन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री भास्करन ने दोनों की दृढ़ निष्ठा, प्रतिबद्धता और कठिन परिश्रम की सराहना की एवं दूसरों को उनका अनुकरण करने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि श्री सेठी को नई प्लेट मिल, OBBP और अन्य सब स्टेशनों में केबल पुनरुद्वार में उनके योगदान के लिए मान्यता प्रदान की गई, जबकि श्री माझी को टेंडम मिल, ट्रांसफार्मर, स्केल पिट, SS सब स्टेशन और रोलिंग मिल क्षेत्र के स्विच गियर कार्यों की स्थापना में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कनिष्ठ प्रबंधक कार्मिक श्री संजीव बेहरा ने कार्यक्रम का संचालन किया। राउरकेला में 14 जून को हर्ष उल्लास के बीच 3 दिवसीय रज्ज महोत्सव प्रारंभ हुआ। पहला दिन पहला रज्ज के रूप में मनाया जाता है, जबकि दूसरे दिन रज्ज संक्रांति के रूप में मनाया जाता है और तीसरा दिन तृतीय रज्ज या भूमिदाह के रूप में पालन किया जाता है। हालांकि ग्रामीण ओडिशा में मौजूद त्योहारों की आनंद में धार्मिकता स्पष्ट नहीं थी, यहाँ अभी भी लोग इस अवसर को अपने तरीके से मनाते हैं। नए नए कपड़े पहनकर बच्चों के साथ किशोरियां भी विभिन्न स्थानों पर झूला झूलने के लिए विभिन्न स्थानों पर एकत्रित हुई हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में लोग पार्क और अन्य जगहों पर खुशियां मना रहे हैं। इस बार शहर के कई सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों इस उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया है। पारंपरिक धारणा के अनुसार इस दिन धरती
अपने नए भेष में आती है जो अच्छे फसल के लिए उर्वरता क्षमता का प्रतीक है। इस अवसर पर पोड़ पीठा, आरिसा, चकुड़ी, चुंची पत्र, मंडा पीठा जैसे पकवान बनाए जाने के साथ साथ यह अविवाहित लड़कियों के लिए भी अन्य एक आकर्षण है। नए कपड़े पहनकर अपने पैरों में आलता लगाती हैं और रज्जो पान का आनंद लेते हुए पारंपरिक रज्जो गीत गाती हैं एवं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलती हैं। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।